हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस एंड बहुत ही ज़्यादा आसान व्रत में खाया जाने वाला चीला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, व्रत का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप साबूदाना लिया है। वेट में देखा जाए तो 100 ग्राम के लगभग में साबूदाना हो गए। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सामक रस। ये व्रत का चावल होता है और ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में इजीली मिल जाता है। इस तरीके के छोटे छोटे दाने होते हैं इसके, ये देखिए, और इसे उपवास में खाया जाता है। तो मैंने दोनों की क्वान्टिटी बराबर रखा है, आधा कप साबूदाना और आधा कप सामक रस। दोनों को मिक्सर जार में डाल देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए, मैंने साबूदाना और सामक रस को अच्छे से ग्राइंड कर लिया और ये बहुत ही बढ़िया सा ग्राइंड हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन सा पाउडर बन गया है। तो इसको हम निकालेंगे एक मिक्सिंग बाउल में ताकि बाकी की चीज़ें मिलाने में आसानी हो। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप के लगभग में दही। और दही हमें बहुत ज़्यादा खट्टी इस्तेमाल नहीं करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी। तो पानी हमें अभी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, मैंने अभी 1 कप पानी डाला है, ज़रूरत पड़ेगी तो पानी और डालेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और साबूदाना ने सारा पानी सोख लिया है और ये बैटर काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। तो इसमें हम आधा कप पानी और डालेंगे और इसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। साबूदाना काफ़ी ज़्यादा पानी सोखता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है, इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। और ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो टोटल मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया है और बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची। तो मैंने यहाँ पर 2-3 कटी हुई हरी मिर्ची लिया। आप मिर्ची की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कितना तीखा पसंद करते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया 1 मीडियम साइज़ के उबला हुआ आलू, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आधा छोटी चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे सेंधा नमक, यानी कि व्रत का नमक। 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटी चम्मच कूटी हुई काली मिर्ची, 3 चम्मच लगभग हम इसमें ऐड कर देंगे भुने हुए मूंगफली का पाउडर। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसे बिना मूंगफली के पाउडर का ही बना सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चीले में। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया के पत्ता बारीक चॉप किया हुआ। और इसके बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और ये बैटर थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है क्योंकि साबूदाना ने फिर से पानी सोख लिया। तो बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, इसे ज़्यादा हम इसमें पानी नहीं मिलाएंगे। और अब हम चलते हैं चीला बनाने के प्रोसेस में। तो चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लो फ्लेम पर पैन गरम किया। इसमें हम 1 चम्मच के लगभग में तेल डाल देंगे। आप यहाँ पर तेल की जगह घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर तेल यूज किया है मूंगफली का। तो तेल को हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है पूरे पैन में। और इसके बाद हम इसमें 1 करछी भर के बैटर डाल देंगे इस तरीके से। और बैटर डालते हैं इस तरीके से स्प्रेड हो जाता है, तो आपको इसको प्रॉपर शेप देना होगा। तो प्रॉपर शेप देने के लिए हम स्पेशली से इस तरीके से चारों तरफ से बैटर को इकट्ठा कर देंगे ताकि इसका अच्छा सा शेप भी मिल जाए और देखने में भी अच्छा लगे, ये देखिए। और इसके बाद हम इसको ढक देंगे और ढक कर करीब लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसके साइड को हम चेंज करेंगे। तो इसको पकाते हुए मुझे करीब 2 से 3 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं ऊपर से ड्राई हो गया और अंदर से क्रिस्पी दिख रहा है। तो अब हम सावधानी से इसको पलट देंगे और दूसरे साइड से भी हम ढक कर 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है। और ये लीजिए, दूसरे साइड से मैंने इसे करीब 2 से 3 मिनट तक पका लिया। फिर से हम इसको पलट देते हैं, इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे पका लेंगे। और ये हमारा एक चीला बनकर तैयार है। बाकी के सारे चीले हम सेम तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं, देखने में ही काफ़ी टेस्टी लग रहा है और खाने में सच में बहुत टेस्टी है। और ये लीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट एंड बहुत ही ज़्यादा आसान झटपट बनने वाला ये व्रत का चीला बनकर तैयार है। इसे आप व्रत की हरी चटनी या फिर रायता के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये देखने में जितना ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है ना, खाने में उसे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।